वेलकम टू आवर चैनल लिविंग एंड ब्लॉग्स। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। यहाँ एक फेमस मच्छी मार्केट है, कलकत्ता का एक फेमस मच्छी मार्केट है, कवरडांगा का मच्छी मार्केट। मैं जा रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये मच्छी मार्केट बहुत पुराना है, ये सब पाइकरी में मिलता है। जो मंडी है मच्छी का, बाहर बाहर से आता है, दूर दूर से मच्छी आता है। जैसा गुजरात है, जैसा पंजाब है, सब दूर दूर से मच्छी आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जा रहा हूँ आपको मच्छी मार्केट। मेरे घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। बहुत रास्ते में बहुत रस होता है। अभी सुबह का 5:30 बज रहा है। रास्ता वगैरह सब सुनसान है, उतना भीड़ नहीं है। मेन रोड में गाड़ी जा रहा है। अभी रास्ते में उतना गाड़ी नहीं चल रहा है, कुछ वैन का चल रहा है, जो ट्रेडिशनल यहाँ की गाड़ी है। इसके जरिए लोग सामान इधर उधर लेके जाता है। आप देख सकते हैं रास्ते में, अभी मार्केट में चालू हो गई है, सब्जी मार्केट था। इसका भी एक वीडियो में ये किया, अपलोड किया। आपको मैं इसका लिंक मैं दे दूँगा। और देखिए, सब सब्जी वब्जी लेके जा रही है साइड में। सब मार्केट इधर सुबह सुबह बैठता है। जो लोग ज़्यादा सब्जी वगैरह लेता है, इनको यहाँ सस्ता मिलता है। ये पाइकरी मंडी है, जो पाइकरी होता है ना, यानी एक साथ ज़्यादा सामान लेने का, इनके लिए यहाँ सामान खरीदना फ़ायदेमंद होता है। रास्ते में फुल ट्रैफिक है, देखिए सब छोटे छोटे ट्रॉली करके, ट्रॉली वैन लेके जा रहा है। हम जा रहा है ऑटो रिक्शा करके जा रहा है। मैं वहाँ से ही गाड़ी से ही मैं शूट किया, और रिक्शा करके मैं जा रहा है मच्छी का मार्केट में। रास्ते में ट्रैफिक है, एक बस आ गया, इसके वजह से गाड़ी और भी स्लो हो जाता है। आखिर में मच्छी का जो मंडी है उसका नज़दीक आ गया। देखिए इधर मच्छी दिख रहा है, ये सब मच्छी दूर दूर ले आके इधर पाइकरी में सेल करता है। पाइकरी मतलब एक साथ ज़्यादा लेगा तो सस्ता मिलेगा, पाइकरी में सेल कर रहा है। देखिए ये बहुत टाइप का मच्छी, झींगा मच्छी है, पॉम्पलेट है, यानी बॉम्बे डाक है, या यह है कतला माछ, बंगाल का फेमस मछली कतला है। देखिए केकड़ा है, रुई है, ये सब मच्छी है या सब सेल कर रहा है। ये जो लोग मार्केट में सेल करता है, वो लोग यहाँ से सस्ते में लेके जाता है, क्योंकि एक साथ ज़्यादा लेने से यह सस्ता होता है। आप देख सकते हैं, वो देखिए ये क्या, इसको हम लोग भोला मच्छी बोलते हैं बंगाली में, भोला मच्छी। झींगा भी है, तो कोई जिंदा रुई मच्छी मिलता है। मैं यहाँ से एक मच्छी लिया था, ये देखिए झींगा मच्छी, ये देखिए ये पंग, ये बोलता है इसको टेंगड़ा बोलता है, टेंगड़ा मच्छी बंगाली में टेंगड़ा बोलता है। मैं जो नाम बोलूँगा सब बंगाल का ही नाम बोलूँगा, क्योंकि ये बंगाल का है इसलिए बंगाल का नाम दिख गया। निहेड़े माछ मिलता है, ये देखिए रुई माछ, यह सब रुई माछ जब आता है तो जिंदा आता है। देखिए सब जिंदा, ये देखिए ये भेटकी माछ बोलता है इसको, मैं पूछा था बोलता है भेटकी माछ। देखिए भेटकी माछ भी मिलता है, सब महंगा है, 500 रुपये किलो होता है ये सब भेटकी माछ। ये देखिए ये भोला माछ है, ये माछ देखिए निहरे माछ होता है, ये सब सस्ता होता है। निहरे माछ या जो बॉम्बे डाक है 50 रुपये किलो होता है। ये भी देखिए टेंगड़ा माछ है, ये सब टेंगड़ा माछ सेल कर रहा है। ये देखिए झींगा मच्छी है, झींगा मच्छी थोड़ा महंगा है, 300 रुपया किलो है, छोटा 180 ऐसा किलो है। ये देखिए इल्सा माछ है, इल्सा माछ 600 रुपया किलो में पूछा था, वो 600 रुपया किलो बोला था।
देखिए ये सब इल्सा माछ है, थोड़ा बड़ा साइज है, इसे 600-700 रुपया किलो है। ये देखिए ये है, ये मच्छी 50 रुपये किलो है, ये बॉम्बे डाक है, ये भी झींगा है। देखिए सब मच्छी का ये मार्केट है। इतने सुबह ज़्यादा ज़्यादा 8:30-9 बजे के बाद सारे मच्छी सेल हो जाता है, क्योंकि जो लोग सामान मच्छी बाज़ार में मिलता है सेल करेगा वो यहाँ से ही मच्छी लेता है, मच्छी लेके बाद में सेल करता है। देखिए ये एक रुई माछ का, रुई कतला ऐसा मच्छी है, ये सब तालाब का मच्छी है, मीठा पानी का मच्छी। देखिए जिंदा रुई, देखिए जिंदा मच्छी, क्योंकि बंगाली लोग हर रोज मच्छी खाता है, इसलिए बंगाली लोग मच्छी के बगैर इनका दिन गुजार नहीं होता, तो हर घर में बंगाली लोग मच्छी खाते रहता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा मच्छी, देखिए रुई है, कतला है, देखिए पॉम्पलेट है, ये पंगास मच्छी है, ये देखिए इल्सा मच्छी है, झींगा है, ये देखिए रुई मच्छी है। देखिए कितना मच्छी है, देखिए सजा के रखा लोगों को देखने के लिए। अब उसे ट्रैफिक भी आए, मैं एक मच्छी लिया था, देखिए रुई मच्छी मैं लिया, ये मेरा मच्छी सफाई कर रहा है, मैं 190 रुपया किलो लिया था, 1 kg 300 समथिंग ग्राम हुआ था, 165 रुपये में मैं ये मच्छी लिया। ये लोग काट के मेरा मच्छी काटने के लिए दिया, और लोग काटने के लिए एक्स्ट्रा 10 रुपया लिया, देखो काट के काट रहा है मेरा मच्छी, मैं जिंदा मच्छी लिया था, मैं उस टाइम बोला था मैं एक मच्छी लिया, तो ये वो मच्छी आए, देखिए वो काट के दे रहा है, घर के लिए मैं लिया। ये मच्छी बहुत टेस्टी होता है, हर बंगाली लोग ये मच्छी खाता है, रुई मच्छी शुद्ध बंगाल में नहीं, मैं मस्कट में रहता हूँ वहाँ भी सेल होता है, ये मीठा पानी का मच्छी है, इसका साथ समुंदर का मच्छी से अलग होता है। तो ये लोग काट के दिया, क्योंकि घर में मच्छी काटना मुश्किल होता है ना, घर में मेरा वाइफ या बहुत घर में जो लोग फ्लैट जब वगैरह में रहता है तो उनको मच्छी काटना बहुत मुश्किल होता है, तो मार्केट से काट के लेके आता है। तो दोस्तों ये था अपना छोटा सा एक वीडियो मच्छी मार्केट का, तो आप लोग वीडियो देख के कमेंट कीजिए कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो होने में मदद मिल जाए, थोड़ा सा बाकी है मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं रखता हूँ, आप देखते रहिए। दोस्तों मैं वीडियो यहीं रखता हूँ, अभी थोड़ा एडिट वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे का वीडियो को बहुत जल्दी बनाता हूँ। ओके बाय।